हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ सबस्टांस, जो है पहला उसका डिवीजन है वो क्या है, मैग्नेटिक सबस्टांस। दूसरा क्या है, पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस। और उसमें तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस सबस्टांस तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं। देखिए, डायमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होते हैं, इसकी जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या होती है, वन से छोटी होती है। और ये पैरामैग्नेटिक की वन वन के इक्वल होती है। और ये जो है ये क्या होते हैं, वन से बड़ी होती है। इसमें स्टूडेंट्स आप याद रखिए, इस टाइप का जो सबस्टांस है ये क्या करता है, ये एकदम मुँह फेर लेगा। अगर इसको हम किसी भी मैग्नेट या किसी अट्रैक्टिव सब्सटेंस के ऊपर अगर ले जाते हैं, ये क्या करेगा, ये कोई रिस्पांस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं एयर, सॉल्ट और बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर हम पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा रिस्पांस करेगा। ये क्या है, जैसे कि ये क्या नाम है, जैसे O2 है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है इसमें आप वो एलिमेंट ले सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जेल्युमिनियम, जिसके लास्ट में जो है M आता, UM। तो अब आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद हम फेरोमैग्नेटिक लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ये तुरंत जो है अट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे एलिमेंट जो है मैग्नेट के साथ काफ़ी बढ़िया जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो वो ये वाला टॉपिक जो है उस वीडियो में छूट गया था, हमने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है। चलिए, थैंक यू, मन लगा पढ़ाई के लिए, धन्यवाद।